अफ्रीकन ब्लैक राइनो। दोस्तों, जिस गैंडे को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो साल 2011 में विलुप्त हो चुका था, और इस ब्लैक राइनो के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इसके ये सींग थे, क्योंकि गैंडे का एक सींग सोने से भी महंगा होता है और ब्लैक मार्केट में तो इसके सींगों की कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। और ब्लैक राइनो के दो सींगों की वजह से इनकी तस्करी सबसे ज्यादा होने लगी थी, और धीरे धीरे गैंडे के सींग को बेचकर लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया था। और गैंडा ही ऐसा जीव है जिसके सींग का शिकार काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, और ब्लैक राइनो की घटती संख्या देख वहां की सरकार ने इन राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी तैनात कर रखी थी, जिनकी गड़बड़ दिखने पर सीधा गोली मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोग अपने लालच के लिए इन ब्लैक राइनो का शिकार करने में बाज नहीं आते थे। इसी कारण इनकी संख्या घटती चली गई, और सर्वे के बाद साल 2011 में ब्लैक राइनो को विलुप्त घोषित कर दिया गया।